पैरों में स्मेल आ जाती थी, भूख कम लग जाती थी, ये बाथरूम नहीं आ रहा। यही कहूंगा कि जिन भी प्रॉब्लम आई थी, हिंसा के अटैचमेंट हो गए थे, क्या था लाइक अभी नमस्कार जी, मैं डॉक्टर नेहा हिम्स, अस्पताल तेरावसी चंडीगढ़ से, और आज हमारे पास पेशेंट है कुलदीप सिंह जी। कुलदीप सिंह जी हमारे पास 12 तारीख को एडमिट हुए थे, और ये सीकेडी के पेशेंट है, एंड स्टेज रिनल डिजीज के। इसके साथ इनको पिछले 4 साल से बीपी की दिक्कत भी थी, और इनका हफ्ते में 2 बार डायलिसिस चलता था, और आखिरी डायलिसिस इनका 9 तारीख को आया है। डॉक्टर कुलदीप सिंह का जी, मैं हिम्स एडमिट हुआ जी 12 तारीख को। मेरा हफ्ते से 2 बार डायलिसिस होता है, जदों का इतने आया मैं अगर कुछ बैटर पिक कर दाँगा, तो उस बाद मेरा डायलिसिस हल तक होया जी। शरीर पानी भर जाता से, वह भी हल तक ठीक है जी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जी, वधिया ठीक है जी। हॉस्पिटल पैरों में स्वेल आ जाती थी, भूख कम लग जाती थी, पेशाब आपको खुल के आता था? नहीं, बाथरूम नहीं आ रहा पहले, खुल के नहीं आता था। उसमें अब इम्प्रूवमेंट हुई है जो पेशाब का? थोड़ा सा फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा, मतलब कम से कम कैसे 20-30% तो हफ्ते के अंदर फर्क पड़ गया। हाँ जी, मैं तो यही कहूंगा अभी जिन भी प्रॉब्लम आई थी, हिंसा के अटैचमेंट हो गए थे, क्या था लाइक अभी। तो जैसे कि कुलदीप जी ने हमें ब्रीफ किया ही है, अगर आपको भी कोई भी क्रॉनिक एलिमेंट है, आप भी किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसके लिए डॉक्टर्स ने आपको जवाब दे दिया है, तो आप बेफिक्र होके और बिना कुछ सोचे हिम्स अस्पताल में आइए, बिकॉज यहाँ पे आपका बिना किसी स्पेसिफिक मेडिकेशन के, बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के आपका इलाज किया जाता है, और आपको सिखाया जाता है कि अपना डॉक्टर स्वयं कैसे बने। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं, चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली NCR, मेरठ, नवी मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है।